स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 6 का क्यूज अभ्यास, जिसमें तीनों सब्जेक्ट को सॉल्व किया जाएगा। पहले गणित को, उसके बाद आपका विज्ञान आया है और उसके बाद हिंदी है। तीनों को सॉल्व किया जाएगा स्टूडेंट, डिटेल के अंदर आपको बताया जाएगा हर चीज़। और इसके अलावा हमने आपकी वर्कशीट्स 6वीं 7वीं की सभी वर्कशीट्स तीनों विषयों के जो आपकी वर्कबुक हैं उनको सॉल्व करके डाल दिया। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, तो आप जहाँ कर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सही गलत बताना है स्टूडेंट्स। बिंदु बी पर दी गई संख्या रेखा प्राकृत संख्या 38 को व्यक्त करती है बी पर। बिल्कुल सही है, सही उत्तर होगा। अगला है, यदि पूर्ण संख्या ए संख्या रेखा पर बी की बाई ओर स्थित है तो कौन सा कथन सही होगा? सी सही होगा, ए बी से छोटा है। अगला देखिए, 1/4 को दशमलव भिन्न में बदलना है तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? पहला 0.25 आ जाएगा। अगला है, 0.2 को भिन्न में लिखना है स्टूडेंट्स तो 2/10 मतलब कि कितना आ गया? 1/5 मतलब कि पहला उत्तर सही आएगा। अगला देखिए, दिए गए में रंगीन भाग दशमलव संख्या को दर्शाता है 0.3, तीन भरे हुए हैं, तीन उत्तर आएगा, 0.3 उत्तर आएगा। अगला है, निम्न में से कौन है प्राकृत संख्या नहीं है? 0 प्राकृत संख्या नहीं होती है स्टूडेंट्स। अगला देखिए, दो छात्रों ने संख्या 0 का वर्णन इस प्रकार किया कि निशा यह प्राकृत संख्या है, अंजलि यह एक पूर्ण संख्या है। तो कौन सही है? 0 एक पूर्ण संख्या होती है, ना कि प्राकृत संख्याएं, तो अंजलि सही है। अगला है, निम्न में से प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों हैं 1, दोनों होती हैं। प्रिया का दावा है कि 0, 10, 100 सभी प्राकृत संख्याएं हैं। ये दावा गलत है, क्योंकि 0 जो होता है स्टूडेंट्स वह पूर्ण संख्या होती है, ना कि प्राकृत संख्या। अगला है, इनमें से कौन सा कथन सही है? चौथा कथन सही होगा स्टूडेंट्स, 0 वह अकेली संख्या है जो पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। 45-70 के बीच में पूर्ण संख्या कितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं? 24। रिपीट हो गया स्टूडेंट्स। अगला देखिए, संख्या रेखा पर दी गई कौन 27 को व्यक्त करता है, क्यों व्यक्त करता है, तो क्यों उत्तर होगा स्टूडेंट्स। इस प्रकार था हमारा गणित का आज का क्यूज अभ्यास। अब हम करेंगे विज्ञान साइंस का क्यूज अभ्यास आपके वीक 10 का। इनमें से कौन सा एक पादप रेशा नहीं है रेशम? अगला, रुई पादप रेशा है जिसे कपास के बीजों से प्राप्त किया जाता है, तो कपास के की खेती के लिए कौन सा कथन आवश्यक है स्टूडेंट? उत्तर होगा स्टूडेंट्स, पहला इसका, काली मिट्टी, गर्म तापमान और सामान्य वर्षा। अगला देखिए स्टूडेंट्स, में आपको पहला करना है। अगला देखिए, हमें जूट कहाँ से मिलता है? पटसन के तने से। अगला, दिए गए पौधों में से किस पौधे से हमें रेशा प्राप्त होता है? इन सभी से रेशा प्राप्त होता है स्टूडेंट्स हमें। अगला, कपास ओटना प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? कपास गोलकों से कपास के बीजों को पृथक करना। अगला, हस्ततकुओं से जिसे तकली कहा जाता है का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेशों के धागों में परिवर्तित करने पर। अगला है, रेशों से वस्त्र प्राप्ति के विभिन्न प्रक्रियाओं को इनमें से कौन सा विकल्प व्याख्या करता है? पहला करता है स्टूडेंट्स, पादपों से रेशा प्राप्त करने की है, पहले प्राप्ति की जाती है, फिर कताई, फिर बुनाई, फिर कपड़ा और फिर वस्त्र। अगला है, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले बस्ते और बोरों में इनसे किससे बनते हैं? जूट से बनते हैं स्टूडेंट्स। अगला है, विशाल को गर्मियों के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं, उसे इनमें से किस प्रकार का वस्त्र खरीदना चाहिए? सूती वस्त्र खरीदने चाहिए। अगला है, इनमें से कौन सी वस्तु लकड़ी से नहीं बनी? समाचार पत्र। अगला है, रोहन के वस्त्रों में कुछ कॉपियां, पेंसिल बॉक्स, रबड़ की बॉल और शॉर्पनर है, इनमें से किसके गोले होने की संभावना है? रबड़ की बॉल। विभु को मीठी चीज़ें पसंद हैं, इनमें से कौन सी चीज़ बहुत पसंद आएगी? रसगुल्ला। अब स्टूडेंट्स करेंगे हम कक्षा 6 का हिंदी का क्यूज अभ्यास एक ही वीडियो के अंदर। पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पे पर आधारित है। कविता में चांद से गप्पे लड़ाने वाली लड़की की उम्र कितनी बताई गई है? 10 से 11 साल। अगला है, पाठ के अनुसार चांद का मुंह कैसा है? गोरा, चिट्टा और गोल मटोल। अगला देखिए, लड़की जिस किसे चांद का वस्त्र समझती है? आकाश को। अगला है, लड़की किसे बीमारी समझती है? चांद के घटते बढ़ते आकार को। अगला है, पाठ में प्रयुक्त सीमित शब्द का अर्थ दिशा।
अगला कुछ पद्यांश दिए हुए हैं, तो उपयुक्त पंक्तियों में मुहावरे दम नहीं लेना का अर्थ होता है आराम नहीं करना। अगला देखिए, वन्य जीव की संख्या में कमी का कारण क्या है, वन्यों की कटाई और गैरकानूनी शिकार। अगला, लुप्तप्राय शब्द का अर्थ होता है जो लगभग समाप्त हो चुका हो। अगला, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था, 1972 में बना था। अगला, किसी देश के उद्योग धंधे किस पर आधारित होते हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले खनिजों पर। अगला है, इनमें से किस खनिज का निर्यात भारत नहीं करता है, कोयले का। तो स्टूडेंट्स, कोयला हो चुका है। अगला देखिए, उपयुक्त गद्यांश के लिए शीर्षक बताना है उद्योग धंधे तथा खनिज संसाधन। स्टूडेंट्स, प्रकार था हमारा संपूर्ण वीडियो, जिसके अंदर हमने तीनों सब्जेक्ट कवर किया है आपके लिए एक ही वीडियो के अंदर। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।